Hello and welcome to Walk the Talk. I am Shekhar Gupta and my guest today, not only Sonia Gandhi's next door neighbor, but also somebody who's been in every cabinet of every party and coalition since 1996 and would most likely be in any cabinet that comes into being as a result of this election. So the man also personifies the power of this small party with a small vote bank, but a solid vote bank. Ram Vilas Paswan, welcome to Walk the Talk. Thank you. मैंने ठीक बोला ना? नहीं ठीक है. कोई कैबिनेट आपके बिना नहीं बन सकती. नहीं, नहीं, आप कभी गलत बोलते ही नहीं है. ना आपके बिना, ना पीएमके के बिना. चाहे छोटी पार्टियां भी सही, लेकिन इससे आप लोगों का एम्पावरमेंट हुआ है. नहीं, उसमें पार्टी की बात नहीं है, असल में है वोट बैंक का सवाल. हाँ. है तो लोक जनशक्ति पार्टी इसका अपना एक वोट बैंक है. हाँ. और वो वोट बैंक ऐसा वोट बैंक है कि जिस पार्टी के साथ में जुड़ती है वो पार्टी का ग्राफ सीधे जो है. हाँ. जीरो से हंड्रेड पर पहुंच जाता है. वही हालत तो आपकी सीटें चाहे थोड़ी, वही पीएमके का है. हाँ, वही पीएमके का है, वही डीएमके का है, सब. हाँ. आपकी सीटें चाहे कम आए. हाँ. लेकिन आपकी लिवरेज है दूसरी पार्टी के, बड़ी पार्टी के साथ. बड़ी पार्टी का, जिसे सब हमारी अपना, हमारा जो सपोर्टिंग वोट है वो, जिसे अभी हमने कहा पिछले बार असेंबली के चुनाव में आप थे वहां, हमने कहा कि मुस्लिम चीफ मिनिस्टर हो, लेकिन मुस्लिम चीफ बिहार में, लेकिन मुस्लिम चीफ मिनिस्टर के नारा पर भी 15% वोट आ गया. इसका मतलब जो 15% वोट है वो ट्रांसफरेबल वोट है. तो 15% वोट कोई कम तो होता नहीं. दिस इज द पावर ऑफ द लीडर विद ट्रांसफरेबल वोट. या दोज लीडर्स हु हैव ट्रांसफरेबल वोट, दे आर द रियल लीडर्स. और उसमें द वीकेस्ट आर बीजेपी एंड कांग्रेस, बोथ डोंट हैव ट्रांसफरेबल वोट. वो तो हम नहीं कह सकते. बीजेपी को कह दीजिए. लेकिन क्योंकि अगर आप उनसे गठबंधन करें, क्योंकि मायावती हमेशा यही कहती है कि मैं गठबंधन क्यों करूं विद बीजेपी और कांग्रेस, उनका वोट ट्रांसफरेबल नहीं. लेकिन जो लोकल लीडर है या कास्ट लीडर है उसका वोट ट्रांसफरेबल है. नहीं, लेकिन मायावती का भी जो ट्रांसफरेबल वोट है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में है. उत्तर प्रदेश के अलावा कहाँ ट्रांसफरेबल वोट है? उत्तर प्रदेश के अलावा तो अपने ही वोट नहीं पाती है, तो ट्रांसफरेबल कहां से होगा? अभी तक जितने रिजल्ट हुए हैं असेंबली के हैं या लोकसभा के, फिर भी उत्तर प्रदेश में तो है. हाँ, उत्तर प्रदेश में उनका ट्रांसफरेबल वोट है, उनका जो कास्ट का वोट है. तो आप क्या सोचते हैं इस बार सरकार कैसी बनेगी? फिर ऐसी सरकार बनेगी जिसमें 3-4-5 सदस्यों की पार्टियों का बहुत महत्व होगा और ट्रांसफरेबल वोट से ही सरकार बनेगी थोड़ा थोड़ा जोड़ के? नहीं, जो अभी बाय एंड लार्ज जो अभी सिचुएशंस है यही सिचुएशंस रहेगी. सरकार तो यूपीए की बनेगी, एनडीए तो दूर दूर तक नजर नहीं आता है, क्योंकि जो हेड जब होता है तो हेडलेस हो जाए तो फिर शरीर का कोई महत्व नहीं रहता है. हेडलेस तो कैसे हो गया? बीजेपी है वहां तो. बीजेपी है, लेकिन बीजेपी का कोई अब फ्यूचर नहीं बचाने. बीजेपी जो है, बीजेपी तो डिस इंटीग्रेशन के लाइन पर है, वो खत्म हो रही है. बीजेडी उधर छोड़ करके चल. देखिए अभी तक एक प्लस पॉइंट यह है, यूपीए में कोई घटक यूपीए को छोड़ा नहीं है. लेकिन बीजेपी का जो एनडीए का घटक है वो छोड़ छोड़ करके जा रहा है. तो इसलिए अब अच्छा, दूसरी बात क्या है कि यूपीए में और खास करके कांग्रेस में कहीं आपस में बिकरिंग नहीं है. लीडरशिप में एक लीडरशिप है, सोनिया जी हैं जो डिसीजन लेती हैं, करती हैं. लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अटल जी के बाद कोई लीडर है ही नहीं. अडवाणी जी हैं, अडवाणी जी का सब पर काटने के पीछे लगा हुआ है. कल की मीटिंग में हुआ कि जेटली जी क्या कहते हैं, मीटिंग से बायकॉट कर रहे, वो नहीं गए. कभी मानते हैं भैरव सिंह शेखावत कुछ क्या बोल देते हैं, कभी कल्याण सिंह निकल के चले जाते हैं. कोएलिशन के ऊपर ही रहते हैं इस समय. अभी तो चुनाव होने में कुछ समय है. आप समझते हैं कि समीकरण बदल रहा है, कुछ खतरे आपके कोएलिशन के लिए आ रहे हैं, या कुछ ड्रामेटिक चेंज हो सकती है? नहीं, कुछ या नहीं. आप सोचते हैं कि अब ये लाइन खिंच गई है? देखिए, लाइन खिंची हुई है. यूपीए की सरकार बनेगी ये बिल्कुल दीवार पर लिखा हुआ है. ये थर्ड फ्रंट फोर्थ फ्रंट कोई चलने उलने वाला है नहीं. लेकिन आजकल बहुत शोर है थर्ड फ्रंट का, हर जगह हाथ खड़े हो. नहीं, थर्ड फ्रंट का क्या मतलब है? एक समय में क्या था, एक अकेले मुलायम सिंह जी को मिला दीजिए थर्ड फ्रंट में और मुलायम सिंह जी को माइनस कर दीजिए, तो बाकी मान लेते हैं कि थर्ड फ्रंट में, मान लेते हैं कि थर्ड फ्रंट तो कुल मिलाकर के उतना ही है. अब अभी जो थर्ड फ्रंट में है मायावती के संबंध में, आप कोई क्या कहते हैं, कोई भविष्यवाणी कर ही नहीं सकता है कल कहां रहेगी, कल क्या करेगी. जयललिता के संबंध में कुछ कर नहीं सकता है. और सबसे बड़ी बात है कि जितने फ्रंट के लीडर हैं सब प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं. सब प्राइम मिनिस्टर, मायावती प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, जयललिता प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, टीडीपी के क्या कहते हैं कि जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं. लेफ्ट की बात हम नहीं कर सकते हैं, वो आपको ज्यादा जानकारी है. इसलिए मैंने कहा
कि ये और वहां लड़ाई प्राइम मिनिस्टर जानकारी अपने मेरे पे डाल दी आपको, आपको।